आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी, जिसके लिए हम लिए हैं 1 किलो कटहल, जिसको हम छीलने जा रहे हैं। इसको इस तरीके से काट लेंगे। ऐसे मैं छील लूंगी। ये देखिए, अब मैं कटहल को उबालने जा रही हूँ कुकर में। इसके लिए हम 1 गिलास पानी रखे हैं। कटहल को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। अब इसको मैं उबालूंगी। उबालने समय हम इसमें 1 टेस्पून नमक रख देंगे। कुकर को बंद कर देंगे। 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। देखिए गैस निकल गया है। कटहल को उबाल लिए हैं। ये देखिए कटहल उबाल लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। कटहल फ्राई करने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच सरसों तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें कटहल डाल रही हूँ। अब मैं इसको चला लूंगी। गैस को तेज ही रहने देंगे। तेज आंच पे ही इसका फ्राई करेंगे। मैं इसमें 1/2 टेस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कटहल फ्राई हो गया है, ब्राउन कलर का हो गया है। मैं इसको निकाल लूंगी। अब मैं मसाला फ्राई करने के लिए इसमें 2 टेस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें जीरा, तेजपत्ता, सूखा हुआ मिर्ची फोरन डाली हूँ। प्याज डाल रही हूँ। लंबे फ्लाई पे इसमें पका हूँ। ब्राउन होने तक भून लूंगी। ये देखिए प्याज जो है ब्राउन कलर का भुना गया है। अब मैं इसमें डालूंगी आलू। इसमें आलू डाल रही हूँ। फिर से हम गोल गोल आलू काट लेंगे। इस तरह से आलू डालने से अच्छी सब्जी बनती है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। आलू में मैं 1/2 टेस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक डाल के इसको इस तरीके से मिला देंगे। मिला के इसको फिर से मैं ढक दूंगी। ये देखिए आलू भी ब्राउन कलर का भून गया है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। मसाला में हम पीसे थे जीरा, तेजपत्ता, सूखा मिर्ची आदि, प्याज, लहसुन और टमाटर, हरा गरम मसाला पीस लिए थे। मैं इसमें 1 टेस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 2 टेस्पून धनिया पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर कटे हुए। इसको मैं मिला रही हूँ। ये देखिए आलू भुना गया है। मसाला भी भून गया है। अब मैं इसमें कटहल डाल के
मिनट तक मैं भून लूंगी। ये देखिए आलू और कटहल भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, एक गिलास पानी डाल के इसको मैं मिला लूंगी। अब मैं इसमें 1 टेस्पून पनीर चिली मसाला डाल रही हूँ, 1 टेस्पून मीट मसाला, 1 टेस्पून मिला लूंगी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, गैस को लो फ्लेम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कटहल आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कटहल आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। आप चाहे इसे चावल के साथ खाएं, रोटी पराठा पूरी सबके साथ खा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कटहल आलू की सब्जी बनके तैयार हो गई है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।